नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, अक्टूबर माह में पुनः स्कूलों में पर्यवेक्षण होने हैं और उन विद्यालयों में अब पर्यवेक्षण होंगे जो पिछले निरीक्षण के दौरान छूट गए थे। इसके लिए राज्य परियोजना कार्यालय से निरीक्षण होने वाले स्कूलों की लिस्ट जारी हो गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर लिस्ट को हम किस तरह से देखें, क्योंकि अक्टूबर माह में लिस्ट में दिए गए विद्यालयों में ही प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिस्ट डाल दी है, उस लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने विद्यालय को चेक कर सकते हैं, कहीं आपका विद्यालय निरीक्षण के अंतर्गत तो नहीं आता। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो लिस्ट जारी हुई है उसमें अक्टूबर माह में पर्यवेक्षण होना है। लिस्ट को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और आप पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। देखिए, लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे ईमेल मांगेगा और इस तरह से लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी। इसमें प्रत्येक जनपद के आपके सामने दिए गए हैं स्कूल। अब आपको अपने स्कूल का इसमें नाम चेक करना है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पर शुरू में ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने ब्लॉक का नाम लिख लेंगे, क्योंकि आपको ब्लॉक से ही मतलब है। देखो, मैं यहाँ पर अपने ब्लॉक का नाम लिख देता हूँ, कोई भी ब्लॉक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे अपने ब्लॉक का नाम लिख दिया है और इस हम लिस्ट को सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपका ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। अब आप अपने ब्लॉक में देख लीजिए किन किन स्कूलों में निरीक्षण होना है, तो ये आपका अंडरलाइन होके आ गया। इन स्कूलों में अक्टूबर माह में निरीक्षण होना है और इन स्कूल के शिक्षकों को ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने स्कूल का नाम इसमें इस तरह से चेक कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर अपने जिले का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्लॉक का लिखेंगे तो आपको चेक करने में आसानी होगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एक बार फिर दोबारा से मैं बता देता हूँ, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट खुलकर आ जाएगी। इस तरह से बहुत बड़ी लिस्ट है, 345 पेज की लिस्ट है, लेकिन आपको इसको चेक करना है अपना विद्यालय, तो सबसे पहले लिस्ट में सबसे ऊपर आपको जाना है और यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक का, देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोबारा से, कभी 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 ऐसा होता है समझ नहीं आ पाता। लिस्ट में सबसे ऊपर हम जाएंगे, देखो ये लिस्ट हमारी चल रही है, बहुत बड़ी लिस्ट है, वैसे तो आप इसमें नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन इसमें अगर आप सबसे ऊपर जहां सर्च का ऑप्शन दिया गया है वहां पर अपने ब्लॉक का नाम लिख दीजिए या अपने ज़िले का नाम लिख दीजिए, तो आप ढूंढने में आपको बहुत ही आसानी होगी। देखिए लिस्ट हमारी अब खुल चुकी है, लास्ट में हम पहुँच चुके हैं। थोड़ा टाइम लगता है लिस्ट को देखने में, मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ जिससे हम इसे आसानी से देख सकें। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर आपको सर्च के ऑप्शन पर यहाँ पर अपना ब्लॉक आपको लिखना है। देखिए, देखो मैंने दो या तीन अक्षर लिखेंगे तो भी आपका आ जाएगा ये, और सर्च के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो इससे आपका ब्लॉक आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस लिस्ट को देख लीजिए। धन्यवाद।